तो जैसा कि मैंने आपको तीन जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन हैं वो मैंने बताया है, एक है आपका एस प्रोटीन, उसके बाद है आपका एनवलप प्रोटीन, उसके बाद है आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इसका रोल आएगा ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा सेंट्रल डोगमा में कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है। तो सेंट्रल डोगमा ये कहता है कि जो डीएनए है, ये सारे आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल हैं, तो डीएनए से आपका फॉर्मेशन होगा आरएनए का, आरएनए से फॉर्मेशन होगा आपका प्रोटीन का। तो जो जेनेटिक मटेरियल का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो होता है, यही सेंट्रल डोगमा कहलाता है। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर का पॉइंट है जहाँ से आपको पूरा कोरोना वायरस समझ आएगा, इन्फेक्शन और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका मैं बेसिक जो सोल है वो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। ये कहलाता है आपका रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सेंट्रल डोगमा है, इसका जो फ्लो है वो इस तरीके से है। और अगर आरएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स, क्योंकि ये इसका उल्टा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसे कहा जाता है। और यहीं से जो वायरस के डायग्नोसिस का जो तैयार हुआ है पॉलीमरिक चेन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं आरटीपीसीआर, जो अभी काफ़ी कॉमन हो गया है लोगों के लिए, पर ये मॉलिकुलर बायोलॉजी का बहुत ही फेमस पोर्शन है आरटीपीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको कैरी म्यूलिस ने ढूंढा था। इसमें जो है आरटी, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी बता रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को भी बता रहा है, और इसको एज अ रियल टाइम भी पढ़ा जाता है। इसकी जो मिनिमम होती है 35 साइकिल्स चलते हैं, जिससे कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या आरएनए उनका जो मल्टीपल कॉपीज़ हैं वो एक्सेस अमाउंट में तैयार कर लिया जाता है। और यहाँ पास आपको एक बहुत ही वर्ड यूज़ सुनने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सीटी वैल्यू। जो सीटी वैल्यू होते हैं उसका जो एब्रिवेशन है उसका एक्सपांडेड फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो ये भी जो है वो 35 साइकिल डिसाइड हुआ है, और ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इन बिटवीन हम आगे इस चीज़ को कवर करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, जो सेंट्रल डोगमा हमें यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ जो ना मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताया है उसका कारण क्या है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो कोरोना वायरस है उसमें मिलता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब यहाँ फिर से सवाल उठता है कि पॉजिटिव सेंस का क्या मतलब है, ठीक है। इसको भी आप अभी होल्ड करके रखिए, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ चले जाते हैं कि क्या होता है। डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए हमेशा याद रखिएगा, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आपका मिल के बना होता है नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट से, नाइट्रोजिनस बेस और क्या है फॉस्फेट। नाइट्रोजिनस बेस में आपके आ जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। इसमें जो एडेनिन है वो थायमिन से बॉन्ड अप करता है विद अ डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो साइटोसिन है वो गुआनिन से ही अटैच होता है, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ जो बॉन्डिंग देखी जा रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये याद रखिएगा आप।
अब बात आती है कि नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट है, ये एक दूसरे से मिलेंगे और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डबल स्ट्रैंडर्ड बनाएंगे। जो आरएनए है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडर्ड रहेगा। या जब ये प्रोसेस होता है तो जो आरएनए बनता है वो आपका मैसेंजर आरएनए बनता है। आरएनए बनना इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस। आरएनए जब तक एमआरएनए नहीं बन पाएगा, एक प्रोसेसिंग होती है इस आरएनए की, ये एमआरएनए बनेगा तभी इसका ट्रांसलेशन किस में होगा, प्रोटीन में। तो जब हम पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंस यानी ये आरएनए इट्सेल्फ क्या है या इक्वल है एमआरएनए का, यानी इसमें डायरेक्ट कोडिंग की पावर है और ये डायरेक्ट क्या बना सकता है, प्रोटीन। इस कारण इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। और ये मिलता है कोरोनोवायरिडी, जिसमें आपने कोरोना वायरस और टोरो वायरस के बारे में पढ़ा है। तो इसकी बिकॉज ऑफ द हैविंग कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज डायरेक्ट प्रोटीन, तो आपको मैंने तीन प्रोटीन बताया था, एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन था, एनवलप प्रोटीन था, मेम्ब्रेन प्रोटीन था, और आपका जो इसका न्यूक्लियोकैस्पिड होता है जिसमें आरएनए और न्यूक्लियो प्रोटीन की बात की थी, वो सारे डायरेक्ट ही बनते हैं अगर ये होस्ट सेल में इंट्रूड करते हैं। अब बात आती है कि मैंने एक होस्ट सेल का नाम लिया, तो होस्ट सेल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जनरली जो वायरस होता है वो एनवायरमेंट में इनएक्टिव स्टेट में होता है। क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट, यानी ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई चीज़ नहीं है। ये सिंपल सा, इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते आप, क्योंकि आपने अभी तक कोरोना वायरस को देखा नहीं है। जो आप डायग्राम देखते हैं वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सैम, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से लिया गया फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर देखते हैं जो मैंने बताया था। तो उस तरीके से हम इमेजिनरी डायग्राम प्लॉट किए हुए कि ऐसा है। तो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं वो, और एक्टिव होने के लिए, इनको एक्टिव होने के लिए ज़रूरत होती है होस्ट की। तो पहले मैंने रिजर्वायर आपको बताया था, कैमल था, मतलब कैमल है, बैट है, चिपांजी है, और अब ये ह्यूमंस। तो ये इनके होस्ट है, मतलब ये वायरस इनके अंदर जाके एक्टिव होंगे और इनकी, इन जो एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं, इनके जो प्रोटीन सिंथेसिस असेंबली है, प्रोटीन सिंथेसिस असेंबली है, उसको यूज़ करके ये अपनी कॉपीज़ को बढ़ाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको समझने का सिस्टमेटिक वो ये है। तो अभी तक हमने जान रखा है कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो ये सारी बात हो गई। तो जो डीएनए होता है, तो आरटीपीसीआर का भी मैंने बताया, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से चीज़ों को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड मैं क्या बना देता हूँ, डीएनए। ओके, जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। ये दो जो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था एडिनिन है तो उसके आगे क्या होगा, थायमिन होगा, साइटोसिन है तो गुआनिन होगा। तो यहाँ मैं कुछ भी कोड अगर लगता हूँ, सी सी ए, तो इसके आगे क्या कोड बनेगा वो आपको पता है कि सी के आगे क्या आएगा, जी आएगा, सी के आगे क्या आएगा, जी आएगा, एडिनिन के आगे क्या आएगा, थायमिन आएगा। तो ये आप बता सकते हैं कि अगर मैं ए सी सी टी ये कर रहा हूँ, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं कि टी जी जी ए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसी तरीके से जो डबल स्ट्रैंडेड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो कोड होते हैं,
उसमें सेंस कोडॉन होते हैं और नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। जो सेंस कोडॉन होते हैं उनमें पावर होती है, कोड करने की क्षमता होती है प्रोटीन में, क्योंकि जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। अब प्रोटीन क्या होता है, यही पास एक थ्योरी और भी आती है जिसका वो बोलते हैं कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। हम क्या बोल रहे हैं, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, हर एंजाइम प्रोटीन हो सकता है पर हर प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फिर वहीं यही इस चीज़ को बोला जाता है कि वन प्रोटीन, वन जीन एंड वन प्रोटीन थ्योरी, ये दो थ्योरी प्रिवेलेंट है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता पर हर एंजाइम प्रोटीन होगा, तो इस तरीके से थ्योरी है मॉलिकुलर बायोलॉजी में। और जो जीन जो होते हैं जिनमें सेंस होता है, कोडॉन होता है प्रोटीन में, तो वो जो भी प्रोटीन बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो बॉडी फिजियोलॉजी है उसको अफेक्ट करेंगे, वो अफेक्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जो डीएनए है या आरएनए है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, उसका एक्सप्रेशन प्रोटीन ही होता है, या तो वो कोई इसेंशियल बॉडी प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा होगा, या वो कोई इसेंशियल प्रोटीन जो कि एंजाइम है उसको बना के बॉडी जो फिजियोलॉजी है उसको एल्टर कर रहा होगा। तो ये एक बात हुई आपके वन जीन वन एंजाइम या वन जीन वन प्रोटीन की थ्योरी के लिए। तो अभी तक हमने जो देखा है कोरोना वायरस का, हमको पता चल चुका है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ स्पाइक हैं, आरएनए है, डबल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, एनवलप है, एनवलप है, इसको एनवलप बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, स्पाइक प्रोटीन है, ये सब बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अब बात आती है कि वैक्सीन, कि वैक्सीन किस तरीके से बनाया जाए या किस तरीके से बॉडी को इम्यून किया जाए, क्योंकि जो वायरस है तो वायरस का ट्रीटमेंट जो परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है वो वैक्सीन ही हो सकता है, ना कि ड्रग। ड्रग इसमें मददगार होते हैं बट प्रॉपर इम्यूनिटी आपकी बॉडी में ज़रूरी है। तो जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी होती है वो आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, तो इस डिफेंस सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आगे इस कहानी को कैरी आउट करूँगा डिफेंस सिस्टम से।